हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो देखिए, पी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। पी कोई काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। एंड क्यू 24 डेज। क्यू कितना दिन में करता है? 24 डेज। तो दे बिगेन टुगेदर। अब देखिए, दोनों मिल के काम करता है, बट क्यू लेफ्ट टू वर्क्स टू डेज बिफोर इट्स कम्प्लीशन। जो कम्प्लीट के दो दिन पहले क्यू चला जाता है, सिर्फ पी काम करता है। तो टोटल आपको यहाँ नंबर ऑफ डेज बताना है कि काम कितने दिन में कम्प्लीट हो गया है। तो देखिए, दोनों मिलके काम करता है, तो सबसे पहले दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा टोटल बढ़ के बराबर हो जाएगा। आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो 120 हो जाएगा, तो एक दिन में निकालना होगा तो क्या करेंगे, 120 में 15 से डिवीजन करेंगे, तो पी का एक दिन में कितना आ जाएगा? 8। इसी तरह क्यू का एक दिन में कितना आ जाएगा? 5। तो एक दिन में दोनों मिलके P प्लस क्यू ये कितना कर रहा है? 13। हमको टोटल यहाँ वर्क है 120। तो देख, यहाँ आपको क्या है कि लास्ट के दो दिन, लास्ट के टू डेज में क्या हुआ? P काम किया, Q काम नहीं किया। तो देखिए, P एक दिन में कितना बना रहा है? 8। ये दो दिन में कितना बना देगा? इंटू टू कीजिएगा तो 16। ये 16 यूनिट अपना ये लास्ट का दो दिन में काम कर गया, जो कि क्यू की छुट्टी हो गई थी। और आपको यहाँ टोटल कितना काम करवाना है? 120। तो 120 में आप 16 माइनस कर दीजिए, तो अब कितना बचा? 104। 104 क्या है? आपका रिमेनिंग वर्क है, क्योंकि ऑलरेडी 16 यूनिट ए के द्वारा दो दिन में, लास्ट के दो दिन में काम कर लिया गया। अब 104 यूनिट को दोनों मिल के कर रहे हैं, क्योंकि क्यू तो दो दिन के लिए गया था, बाकी तो दिन दोनों मिल के काम किए। तो देखिए, टोटल ए कितना है? 104। अब बाकी हमारा रिमेनिंग वर्क है, और दोनों मिल के एक दिन में 13 बना रहा है, तो 13 से डिवीजन करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8 मीन्स। तो देखिए, ये दोनों मिल के 8 यहाँ डेज में लगा, अब अकेले दो दिन पी मिल के पी किया था, तो आप 8 और 2 ऐड कीजिएगा, तो यहाँ से इसका क्या आ जाएगा? 10 डेज इसका आंसर निकल के आ जाएगा, 10 डेज आंसर इसका आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच इज 530, इफ द लॉस परसेंटेज इज 24%, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉस? आपको लॉस का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, आपको पता होगा कि लॉस या गेन दोनों हम कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, जो कि यहाँ गिवन है। तो सिंपल आप 530 का क्या निकाल लीजिए? 24% निकाल लीजिए। तो आप यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो 127.20 रुपया यहाँ से इसका लॉस का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, महेश एक घड़ी को ख़रीदता है 300 रुपया में। मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ घड़ी का कितना है? 300 रुपया है। उसको बेचता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब उस पर छूट देता है। पहले वो 15% का देता है, फिर 6% का देता है। तो यहाँ आपको बताना है कि सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच का क्या होगा। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस है 300, पहले वो कितना दिया? 15%। अब 15% दिया तो 300 का कितना? 85% वो बेचा, इतना परसेंट में बेचा। फिर अगेन वो डिस्काउंट दिया, 2 है, तो देखिए फिर 6% डिस्काउंट दिया। तो मतलब 100 में आप 6 माइनस किया तो 94% में अब ये रिमेनिंग को वो बेचेगा। तो यहाँ से आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो 2020 कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपको इसका आंसर निकल के आ जाएगा 239.7। यहाँ से इसका इतना रुपया में वो बेचेगा, आंसर निकल के आ गया। और ये तो आपको मेथड वन था, और मेथड टू है इसका कि आप दोनों का कंबाइंड पहले आप डिस्काउंट निकाल लीजिए, तब उसमें से आप उसका परसेंटेज वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखिए, सेकंड मेथड देखते हैं। तो देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट 15 ऑफ 6% का आप निकालिएगा, तो 15 प्लस 6 माइनस 15 × 6/100। और यहाँ से आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो ये कितना निकल के आएगा? 20.1% मीन्स। तो देखिए, ये क्या निकल के आया? ये देखिए, एक बार 15 दिया, दूसरे बार 6 मीन्स, तो टोटल वो 20.1% डिस्काउंट दिया।
300 पे टोटल वो 20% का डिस्काउंट दिया, 20.1% का, तो कितने में बेचा? आप 100 में 20.1 माइनस की जाए तो 79.9 इतने परसेंट में वो बेचा। तो आप यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इसका रिजल्ट भी यहाँ से यही निकल के आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए, अ पर्सन बोरो सम मनी फॉर 8 years एट ए रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड टोटल इंटरेस्ट इज 5:8, देन व्हाट इज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। आपको रेट ऑफ द इंटरेस्ट बताना है। तो देखिए, यहाँ जो प्रिंसिपल है और टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट का रेशियो क्या है? 5:8 गिवेन है। तो आपको SI निकालना है। तो SI निकालने के लिए क्या होता है? PRT/100। और आप इसे वैल्यू पुट कीजिएगा। देखिए, SI कितना है? टोटल 8 है, तो 8x पुट कर दीजिए रेशियो को फॉर्म में, तो x ले लीजिए। P कितना है आपका? 5x है, ये P है, 5x है। इंटू R यहाँ आपको फाइंड आउट करना है। और T कितना है? देखिए, T कितना है? 8 साल, 8/100। तो यहाँ से आपको रेट निकल के क्या आ जाएगा? 8 से 8 कैंसिल, x कैंसिल आउट, यहाँ से रेट आपका 20% निकल के आ जाएगा। देखिए, आप इसे फास्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए ये प्रिंसिपल है, एक टोटल इंटरेस्ट है, ये कितना है? 5:8 है। तो देखिए रेशियो तो थोड़ा इसे बहुत छोटा नंबर है, तो थोड़ा सा आप 10 से दोनों में मल्टीप्लाई करके थोड़ा बड़ा बना लीजिए। तो देखिए टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 80 कितना हो गया? 8 साल का हो गया, 8 साल का 80 हो गया। तो हम 1 साल का अगर निकालेंगे तो कितना होगा? 1 साल का 8 से डिवीजन दीजिएगा, तो 1 साल में उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है? 10। तो 10 वो देना पड़ रहा है किस पे? 50 पर ना, तो 50 अमाउंट पे उसको 10 देना पड़ रहा है। तो आप 10 का 50 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 10 का 50 कितना परसेंट के बराबर हो जाएगा? 100, ये कितना हो जाएगा? 20% उसको इंटरेस्ट लग रहा है। ऐसा इसका 20% यहाँ से आंसर निकल के आ गया। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए, ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ फैन बाय 40%, इट्स सेल इंक्रीज बाय 50%, व्हाट विल द परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन द रिवेन्यू। देखिए, आपको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका बता रहे हैं वो देखिए, अगर कोई चीज़ का प्राइस अगर आप क्या हो गया, प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्या हो गया? कंजम्पशन उसका क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, कंजम्पशन इंक्रीज हो जाता है। और जो आपका नेट जो निकलता है ना, नेट उस वो क्या होता है? कांस्टेंट रह जाता है, कांस्टेंट होता है। तो देखिए, हम इस क्वेश्चन के से ऐसा कह सकते हैं कि प्राइस इनटू सेल इज इक्वल टू क्या होगा? रिवेन्यू। तो देखिए, अगर 100 रुपया उसका MRP है और आपने 100 पीस बेचा तो कितना हो गया टोटल आपका रेवेन्यू? कितना हो गया? 10,000। तो हम ऐसी तरह मान लेते हैं, लेट इसका इनिशियल प्राइस 100 है, आपने 100 पीस सेल किया तो इसका रेवेन्यू कितना आ गया? 10,000 रुपया। तो अब यहाँ से क्वेश्चन के अनुसार बढ़ते हैं कि इसमें क्या है कि डिक्रीज हुआ है प्राइस 40%। तो 100 का 40% निकलिए तो 40 में से, और 100 में से 40 आप माइनस किया तो 60 बचा। 40% डिक्रीज हो गया, इसका प्राइस कितना बचा? 60 इंटू, और इसका सेल क्या हो गया? 50% इंक्रीज हो गया। तो 100 का 50% निकाल के इसमें ऐड कर दीजिएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 150। अब देखिए, प्राइस 60 रुपया हो गया, सेल ये 150 किया तो कितना इसका रिवेन्यू आ गया? 9,000। तो आप खुद देख लीजिए, देखिए पहले 10,000 था, अब क्या हो गया? 9,000 हो गया। कितना का डिक्रीमेंट हो गया? 1,000 का। अब 1,000 का डिक्रीमेंट कितना पे हुआ है? 10,000 पे। तो आप यहाँ 100 पे निकाल दीजिए, तो 100 पे निकालिएगा तो यहाँ से इसका कितना आ जाएगा? 10% ये क्या हो गया? डिक्रीज हुआ है। यहाँ से इसका आंसर निकल के आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए, असम कोई एक सम है 2489 रुपीस इज डिवाइडेड एवंग ABC, ऐसा डिवाइड करते हैं कि जो 12 रुपया ए के द्वारा, बी के द्वारा 12 रुपया, सी के द्वारा 5 रुपया कम कर देते हैं, तो जो ABC का जो रेशियो है, शेयर का रेशियो है, ये इतना 5:3:4 के में बच जाता है। तो देखिए ABC ये कितना रेशियो बचा है? 5x, 3x, 4x,
ये कब बचता है, जब ये टोटल ये कितना था 2489, 2489 में से क्या करते हैं हम, ये 12 रुपया, 12 और 5 रुपया मतलब कम कर देते हैं। तो आप ये टोटल आप मैं ये 12 12 5 ऐड की जगह तो ये कितना हो जाएगा 29, ये 29 ऐड कर माइनस कर देते हैं तो देखिए ये अब जो ये पैसा क्या था ये कम करके रेशियो बचा। तो ये सब टोटल का सम इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि जो टोटल था उसमें से तो मैंने माइनस कर दिया 29 रुपये, दोनों बराबर होगा क्योंकि ये जो कम करके जो ये रेशियो था मैंने टोटल में ही इस टाइप में जो कम हुआ वो मैंने माइनस कर दिया तो ये यहाँ दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ से आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ से आपको x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 205। और यहाँ आपको फाइंड करना है कि न्यू शेयर ऑफ C, तो देखिए न्यू शेयर ऑफ C ये कितना आ जाएगा, तो देखिए 4x है तो 4x में आप 205 इंटू 4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 820 यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। द मिल्क एंड वाटर इन टू विसल्स आर रेशियो 3:1 एंड 7:11। तो देखिए एक यहाँ वेसल है, एक दो, ठीक है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 3:1 है और इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 7:11 है। इसको हमको इस तरह मिक्स करना है जो जो न्यू मिक्सचर बनेगा वो कितना बनेगा हाफ हाफ बन जाएगा, मीन्स हाफ मिल्क और हाफ वाटर, मीन्स हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। तो आपको ये रेशियो बताना है कि किस रेशियो में दोनों को मिलाया जाए। तो देखिए आप यहाँ से सिर्फ मिल्क को भी ले सकते हैं, मिल्क यहाँ भी लेके आप बढ़ सकते हैं आगे। तो देखिए सिर्फ हम मिल्क लेते हैं अभी, तो मिल्क लेके आपको यहाँ से मिल्क और वाटर का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो देखिए मिल्क इसमें कितना है 3, टोटल कितना है 4, और इसी तरह इसमें मिल्क कितना है 7 और टोटल कितना है 18, और रिजल्टेंट में मिल्क कितना है, देखिए रिजल्टेंट में अगर इससे सिंप्लीफाई की जाए तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1:1 बचेगा, तो ये कितना है 1 और टोटल कितना है 2। अब आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ से आपका जो रेशियो निकल के आ जाएगा 4:4 यहाँ से आपको क्या निकल के आ जाएगा 9 यहाँ से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। और देखिए कभी ये फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना है तो सबसे अच्छा हम तरीका आपको बता रहे हैं कि जो बेस में है तीनों का आप एलसीएम लेके सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए तीनों का आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आप लीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ 36 आ जाएगा, तो 36 सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 36 मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए 2 से यहाँ कितना बचेगा 18 बच गया, यहाँ कितना बच गया 9 और यहाँ अब कितना बच गया 27, अब यहाँ कितना बचा 2, तो यहाँ कितना बच गया 14। तो देखिए 14 में से आप ये कितना बचा 18 माइनस कीजिएगा तो 4 बचा, और यहाँ 18 में से 27 माइनस किया 9 बचेगा। ऐसा आप कीजिएगा तो आपको क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी भी सही रहेगी और कैलकुलेशन भी फास्ट होगा।